कोटखाई में गुड़िया गैंगरेप मामले को लेकर लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आज बीजेपी ने शिमला जिले में गुड़िया केस में लापरवाही बरतने पर चक्का जाम किया। हालांकि रामपुर में बस हादसे होने के बाद चक्का जाम को खोल दिया गया है। कोटखाई में हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत होने से भाजपा द्वारा आज जिला शिमला बंद किया गया। इसी के चलते जगह जगह पर चक्का जाम किया गया और प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। घंटों तक लोग सड़कों पर बैठे रहे। चक्का जाम में भाजपा के मुख्य संचेतक सुरेश भारद्वाज भी शामिल हुए। भाजपा मुख्य संचेतक सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश जो की देवभूमि के नाम से जाना जाता है और शिमला एक शांतिप्रिय जिला है, और फिर भी यहां पुलिस की हिरासत में लिए हुए आरोपी की हत्या हो जाना जो कि एक निंदनीय विषय बना हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक भी इस मामले की कोई जांच पड़ताल अच्छे से नहीं हुई है, और साथ ही जनता द्वारा सरेआम पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस पूरे के पूरे मामले की जांच भी अभी तक जो है वो प्रॉपरली नहीं की जा रही है। आईजी साहब जो वहां पर पकड़ने के लिए जाते हैं वो पहले दिन पकड़ कर जाते हैं और कहते हैं कि केस सॉल्व हो गया, और दूसरे दिन छुट्टी लेकर के जो है वो लखनऊ पहुंच जाते हैं। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा जो है डील हुआ है? क्या करोड़ों रुपया जो है इसमें दिया गया है और उस पैसे को लेकर के जो है लखनऊ पहुंच जाते हैं वही जैदी साहब? और अब जो है सारा प्रदेश जो है आज इस बात को लेकर जो है उद्वेलित है, आंदोलित है। आज जो है वो बंद की कॉल जो है वो बहुत सारे संगठनों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी भी हैं, उन्होंने दी है। शिमला आज संपूर्ण रूप से बंद है और यहाँ पर ये चक्का जाम भी जो है वो किया गया है। वैसे ही यार ट्रांसपोर्ट बहुत कम चल रही है, लेकिन जो इक्का दुक्का है भी मार दिया। कब मार दिया, क्यों मार दिया? ऐसे समय में जो है वो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि कहलाता है, शिमला जो एक शांत प्रिय जिला है, उसमें इस प्रकार से पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाए। बंद करो।